मैं समिति की ओर से घोष प्रभु और सभी घोषवादकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। बंधुओं, 3-4 दिन पहले तक आकाश में बादल छाए थे, बीच बीच में वर्षा हो रही थी और काम करने वाले कार्यकर्ताओं के मन में एक भय व्याप्त हो गया था। ऐसी स्थिति में लगता है कि इसमें परमात्मा का एक संदेश है, परमात्मा का वो संदेश और आपके इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति इस बात का विश्वास पक्का करती है कि भारत के भाग्याकाश पर छाए काले बादल छटेंगे और भारत के भाग्योदय का सूरज अब पूरी ताकत से चमकेगा। दुनिया की कोई ताकत अब उसको रोक नहीं सकती है। ऐसे कार्यक्रम का दृश्य भी ऐसा ही विशाल था, ऐसा ही मनोरम था, ऐसा ही प्रेरणास्पद था। अखिल भारतीय समिति सब प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए बनी है। उस समिति के माध्यम से सारे देशभर में अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। उन कार्यक्रमों में हमें कार्यकर्ताओं ने जितना परिश्रम किया, जनता से हमको उसकी तुलना में ज्यादा प्रतिसाद मिला। मैं तो अच्छे और सच्चा भी थे। उन्होंने भूतकाल को समझा था, वर्तमान को देखा था और भावी भारत का सपना अपनी आंखों के सामने संजोया था। इस माने में पूज्य गुरु जी दृढ़ता थे। तभी अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। समिति ने मुख्य रूप से 3 प्रकार के कार्यक्रम अपने हाथ में लिए थे। मैं बहुत संक्षेप में आपके सामने अब तक हमको जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उन कार्यक्रमों की सहभागिता के बारे में, कार्यक्रम अभी तक चलते रहे हैं तो उसके जो प्रारंभिक आंकड़े हमको प्राप्त हुए हैं वो मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ। हमने तय किया था इस राष्ट्र की शक्ति का जागरण करना और राष्ट्र शक्ति का जागरण विराट में से होता है, विशालता में से होता है, जनता जनार्दन के माध्यम से। खंड स्तरों पर और जितने भी छोटे लेकर और बड़े तक नगर हैं, उन नगर स्तरों पर विशाल हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा और वो विशाल हिंदू सम्मेलनों के माध्यम से इस राष्ट्र के विराट का आह्वान करने का प्रयत्न गुरु जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर होगा। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि देश में कुल मिलाकर के खंड और नगरों की संख्या 6671 बनती है, परंतु हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम से इस प्रकार के विशाल हिंदू सम्मेलन कुल मिलाकर देश में 7100 किए हैं और उन 7100 सम्मेलनों में प्रत्यक्ष रूप से जिन भाई और बहनों ने भागीदारी की, जिसे आज के कार्यक्रम में आप पधारे हैं, उस प्रकार से कुल मिलाकर के देशभर के सम्मेलनों में 1,76,00,000 लोगों के बीच जाकर एक प्रामाणिक संवाद, एक ईमानदारी के संवाद की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। पूजनीय श्री गुरु जी कहा करते थे, देश के प्रबुद्ध लोगों को, विचारवंत लोगों को, देश के समझदार लोगों को पहले विद्यालय के स्तर पर, हमने रिसर्च सेंटर्स पर जाकर, हमने विश्वविद्यालय से बाहर समाज जीवन के प्रबुद्ध लोगों के बीच जाकर ऐसे प्रबुद्ध नागरिकों की संगोष्ठियों का आयोजन किया है। इस शताब्दी वर्ष में कुल मिलाकर ऐसी 2,250 प्रबुद्ध नागरिक संगोष्ठियों का आयोजन हुआ है और उसमें 3,10,000 विचारवंत लोगों की सहभागिता बनी है। ये भी अद्भुत हो गया है। इस देश का वैचारिक सैद्धांतिक अधिष्ठान पूजनीय जी श्री गुरु जी का पहली बैठक हुई, कार्य का निर्धारण हुआ और विचार विमर्श हुआ।
वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों का केंद्र बिंदु क्या रहे,